तो बच्चों आपको बता दें कि आप सभी को एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लासें दी जाती हैं। आज आपका लाइव नंबर 4 है, ये क्या है, ये 4 नंबर सेशन है, आप सबको पता है। ये बताओ आप लोग, शांत और अशांत दशमलव प्रसार आप जानते हो कि नहीं? शांत और अशांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सुना है कि नहीं? तो मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा 5/17, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? बोलो क्या होगा, एक बार बताओ फिर आगे बढ़े। क्लास 9th मैथ्स, सभी छात्र चैनल सब्सक्राइब करके सेशन लाइक करेंगे जिससे उनकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है? हर्ष राजपूत, ठीक है बेटा पढ़ाई कर लो। आप लोग इनको कोशिश करो, क्या होगा, ये शांत होगा कि अशांत होगा? देखिए बच्चों, हम इसी के बारे में बात करेंगे आज डिटेल में, दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, इसे कैसे समझते हैं, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, ठीक है? 1.3 ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखिए, बच्चा पार्टी में आपको ये बता रहा था कि अगर दोनों की आप डेफिनेशन समझिए, ये शांत दशमलव प्रसार, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? क्या होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक एक समझिए, इधर मेरा करने से सिर दर्द क्यों होता भाई? देखिए, जो भी फ्रैक्शन दिया होता है भिन्न, वो अंश और हर में होता है, ये आपको पता है। जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा, समझना, यहां पर 17/10 लिखा ना, तो साथियों इसका जो हर होता ना बाबू, ये नीचे वाला नंबर जिसे डेनोमिनेटर बोलते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है? वी कैन राइट 2 × 5, बोलो हाँ, लिख सकते हैं ना? तो ये याद रखना कि अगर इसके गुणनखंड में 2 या 5 या 2.5 आए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा, ठीक है? क्लियर? तो भैया देखो, गुणनखंड में क्या आया, 2.5 आया कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? शिवम विश्वकर्मा बोलो, शशि कुमार, राहुल यादव, अभय चौहान बताओ ना, विशाल पाल, मैंने कहा शांत दशमलव प्रसार तब होगा जब दी गई भिन्न का हर का गुणनखंड फैक्टर करने पर या तो 2 के रूप में आए या 5 के रूप में आए या 2 और 5 दोनों मिला करके आए, तब दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसमें 2 और 5 के रूप में आता, क्या होगा, शांत होगा। नीचे आप लिख सकते हो, नीचे आप लिख सकते हो, दी गई भिन्न का, सुन लो मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, सुनो नीचे क्या लिखना है, दी गई भिन्न का हर हर के गुणनखंड करने पर या फिर हर के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, अतः दी गई भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दी गई भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर उनके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, अतः 17/10 यानी दी गई भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है? क्लियर? चलो, समझ में आया ना? रोहित विश्वकर्मा, अनब्लॉक हो बाबू, आप अनब्लॉक हो, कमेंट आपका आ रहा है ना? आ रहा है, काहे परेशान हो? यहाँ पे जिसको एक बार ब्लॉक किया जाता है वो अनब्लॉक होता नहीं है, दिक्कत ये है क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता ना हम लोग के पास। चलो अब यहां समझो, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि आसान, बोलो फटाफट बोलो क्या होगा भाई। चंद्रा उज्ज्वल यादव बोलो क्या होगा, सुबह 8 बजे बाबू 10 का सुबह 8 बजे चलता है। देखो इसमें भी क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे इनका, ठीक है? तो 37/5, हम इसे आपको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, 10 × 10 बोलो कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने ऊपर अभी यहां पर किया था, आपको यहां से कुछ याद आ जाएगा,
आएगा ना। तो हम इसे एक लाइन और भी कर सकते हैं आपको समझने के लिए, 2 × 5 और 2 × 5 बोलो कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। क्यों भाई, 10 का गुणा एक अलग कर लिया और ये 10 का अलग कर लिया। अब नीचे लिख सकते हैं चूंकि दी गई भिन्न में, चूंकि दी गई भिन्न में उसके हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, अतः इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा? शांत होगा। अब अपने किताब में आ जाओ राजा, किताब में आ जाओ बाबू सभी। ठीक है, चलो किताब में आओ, किताब में आ जाओ। जितने बच्चे क्लास 9th का एनसीईआरटी किताब लिए हैं वो यफ लिख के कमेंट करें, क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक वाले यफ लिख के कमेंट करो जल्दी जल्दी। YES, यस बोलो, यस यस यस। देखो मैं बताता हूं, यहां समझो, एक्सरसाइज 1.3 किताब ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है बेटा बाबू भैया 36/100। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सुन लो पढ़ देता हूँ। ठीक है, राजपूत चैनल कमेंट आ रहा आपका। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी जो फ्रैक्शन दी गई है इसे दशमलव के रूप में लिखना है, डेसिमल के रूप में इसे कन्वर्ट कर देना है और ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी शांत है कि अशांत दशमलव प्रसार है, ये आपको बताना है। बात पक्की, आगे बढ़े। आओ चलो देखो समझो, तो इसका मैंने तरीका बताया अभी आपको सीधा सीधा। इसे आप क्या करेंगे, 36/100 इनके हर के आप फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड, गुणनखंड करना यहां से ऐसे भी सीख लो, अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे ऐसे भी कर लो आप, 2 × 4 = 20 × 5 = 100 यानी इसे कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, बस इसके आगे कुछ नहीं करना, इसके आगे कुछ नहीं करना। नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है बराबर, चाहे यहां पर लिख दो आप, ये तो आप खुद ही कन्वर्ट कर लोगे, 0.36। नीचे लिखो चूंकि दी गई भिन्न के हर का गुणनखंड, चूंकि दी गई भिन्न के हर यानी डेनोमिनेटर का गुणनखंड, गुणनखंड मीन्स फैक्टर करने पर इसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं, 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं, अतः 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मंटू पंडित सुबह 8 बजे बाबू, सुबह 8 बजे, कक्षा 10 सुबह 8 बजे से। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, किताब में देखो 1/11, सेकेंड पार्ट में आ जाओ बेटा 1/11, इसमें देखो समझो, क्या इसमें हर का जो गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में आएगा, बोलो हाँ या नहीं। भाई 11 को 2 और 5 हम लिख ही नहीं सकते हैं, 2 × 5 = 10 होगा, नहीं आएगा ना। आप नीचे लिखिए, यहां पे लिखिए, आगे लिख लीजिए, चाहे तो दशमलव में बदलने को अगर बोलेगा तो आप बदल दीजिए। ये आएगा 0.090909 या ऐसे भी लिख सकते हो आप 0.09 के ऊपर बार। ये कैसे आएगा अभी मैं भाग देके दिखा दूंगा, थोड़ा सबर करो, बता दे रहा हूं। नीचे लिखिए दशमलव प्रसार अशांत, दशमलव प्रसार अशांत या अशांत को ऐसे भी लिखते हैं किताब में, अगर आप देखो तो अजीब टाइप का अनौसानी पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती। ठीक है, क्या लिखते हैं? अनौसानी पुनरावर्ती,
ठीक है, ऐसे लिखते हैं, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पुनरावर्ती मतलब रिपीटिंग, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, सीबीएसई वाले, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ में आया ना। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। रिपीट कैसे हो रहा है आओ बताता हूं, देखो समझो। रिपीट का मतलब एक प्रकार से हिकना है, ये हिकना सुने हो? अगर सुने हो तो ए लिख के कमेंट करो, ए फॉर एप्पल। कितने लोगों ने हिकना वर्ड सुना? हिकना मतलब जानते हो, जैसे कोई लड़का है, इन्हीं में से होगा इकट्ठी, उसके पापा मम्मी बोल रहे हैं पढ़ ले बे, पढ़ ले भाई पढ़ ले, रोज समझाते पढ़ता नहीं, रोज उसको चार घंटा पढ़ता है, और फिर वो नहीं पढ़ता, हो रोज चार घंटा पढ़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसकी आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई चार कंटाप लेने की, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। समझ रहे हो ना। अब देखो यहां पे इसको भाग देके दिखा देता हूं तुम्हें। वन में भाग करना इलेवन से, ठीक है, तो इसमें इसका भाग तो जाएगा नहीं कि जाएगा? जाएगा कि नहीं? मनोज क्लास नाइन्थ वाला देना है बाबू, नाइन्थ वाला अलग है लिंक, ठीक है, मेन चैनल अलग है, नाइन्थ का अलग है। तो पहले आपका जीरो बार जाएगा, तो जीरो बार अगर आप ऊपर ले भी गए तो नीचे क्या आएगा? जीरो आएगा, घटाए पे वन आएगा, फिर आप दशमलव बढ़ाओगे, क्या करोगे? दशमलव बढ़ाओगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ जीरो उतारोगे। अब देखो समझना, एक जीरो उतरने के बाद भी इसमें अभी भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना, यहां नजर गड़ा ना, समझना। उसके बाद फिर क्या करेंगे? एक जीरो ऊपर और बढ़ा देते हैं, अगर भाग नहीं जाता तो एक जीरो यहां और उतार लेते हैं, ठीक है। भाग करना आता ना सबको, नाइन्थ में पहुंचे हो, अब इलेवन का भाग जाएगा, इलेवन नाइन जा 99, समझो। यहां पे घटाने पे वन आया, जीरो वन। फिर से क्या करेंगे? अगर हम एक बार दशमलव बढ़ा देते हैं तो बार 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 जीरो उतार सकते हैं, बार बार शून्य उतार सकते हैं, तो यहाँ पे एक शून्य और उतार लेंगे। अब देखो बच्चा, फिर इसमें भाग नहीं जा रहा है, एक शून्य तो मैंने उतार लिया, दशमलव बढ़ा था उसकी इज्जत करते हुए, लेकिन अब भी ये भाग नहीं जाएगा, तो फिर एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो एक और उतारेंगे, और फिर नौ बार जाएगा ये। देखो ये नाटक कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि लास्ट में फिर वन आ गया, ऐसे ये जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन ऊपर जाता रहेगा, कभी कटेगा नहीं, कभी हटेगा नहीं, ठीक है, कभी नहीं कटेगा ये, कभी नहीं हटेगा, समझ में आया। तो ये बीमारी जो बार बार जाएगी, ऐसे हटेगी नहीं, कभी कटेगी नहीं, तो क्या करेंगे इसको? जैसे किसी के मान लो कोई बड़ी बीमारी हो गई और वो ठीक नहीं हो रही, तो क्या करेंगे? उस पार्ट को काट के निकाल देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, यही तो ऑप्शन है ना। यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करेंगे, यहाँ एक काम करेंगे, क्या करना है पता है? जो जितना बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 09 09 09 09 09 उस पे ऐसे बार लगा देते हैं, ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब ये है कि इसी के अंदर ये बहुत बार रिपीट है, अनगिनत बार, समझ गए ना। अनगिनत बार क्या है? रिपीट है। तो अगला लिखिए थर्ड पार्ट, थर्ड लिखो भैया, 4 × 1/8, नीचे दिख रहा है ना, 4 × 1/8। आप लोग बताओ इसका क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? क्या कह रहे हो बोलो? 4 × 1/8, देखो एक्चुअली ये क्या है, 8 × 32 = 33, इतना है इसका हर का जो है वो गुणनखंड करो, करो फैक्टर करो, करके देखो। सुमन हाँ कमेंट आ रहा, वेद प्रकाश जी कमेंट आ रहा, बेटा तुम्हारा भी कमेंट आ रहा, कल तुम ही खराब कर रहे थे सब ना।
क्लास चल रही थी फिर भी तुम बोल रहे नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। देखो करके देखो इसको फिर बताओ। देखो अभी क्या बताया गया है कि जो नंबर दिया गया है उसके हर का जो फैक्टर है वो पहले करो। हर का फैक्टर टू और फाइव या फिर सिर्फ टू या सिर्फ फाइव के रूप का आएगा अगर, तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है, यानी शांत है, अन्यथा अशांत होगा। तो इसका गुणनखंड दो के रूप में आया ना भाई, आठ का गुणनखंड कर लो, दो दूना चार दूना आठ आ रहा है ना, तो क्या लिखोगे आप? टर्मिनेटिंग है। इसको भाग करोगे तो 4.125 आएगा। आठ से भाग कर लो 33 में करके देखो, ठीक है आएगा ना? सभी भाग कर लो, भाग करना आता है। नीचे लिखो दशमलव प्रसार शांत होगा। इंग्लिश वाले लिख लेंगे टर्मिनेटिंग, क्या लिख लेंगे? टर्मिनेटिंग। नीचे रीजन लिख दीजिए, क्योंकि दी गई भिन्न के हर का दशमलव सॉरी गुणनखंड, दी गई भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर गुणनखंड दो और पांच के रूप में प्राप्त हो रहा है। दो और पांच तो नहीं आया ना, सिर्फ दो आया है। हाँ, गुणनखंड दो के रूप में प्राप्त हो रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ओके, बात पक्की? चलो फोर नंबर में आ जाओ। 3/1313 इसको समझ लो क्या होगा, समझ लो क्या होगा। भाई सोनू क्या कमेंट कर रहा बार बार ये, हाँ कॉपी पेस्ट कर रहा है भाई, पढ़ लो। देखो बेटा इसमें 13 का हम लोग अगर करेंगे फैक्टर तो क्या होगा? 13 × 1 करके देखो, दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? मुझे बताओ, अशांत होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? भाग देके देखो पहले तो, तुम लोग इसे भाग करना सीखो। इसका भाग बड़ा अजीब टाइप का आएगा, अजीब टाइप का आएगा, ऐसे आएगा 0.230769 वगैरह वगैरह ऐसे आएगा, ये कटे वटेगा नहीं। भाग देके देखो एक बार, ये इतना जो है बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे, चाहे करके देख लो एक बार, फिर से ये आ जाएगा 230, फिर से 2, ये 769 आएगा 769, फिर से 230, ऐसे ऐसे रिपीट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? अशांत होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार लिखेंगे, अशांत है क्योंकि दी गई भिन्न के हर का दशमलव प्रसार करने पर सॉरी गुणनखंड करने पर, दी गई भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर गुणनखंड दो और पांच के रूप का नहीं आ रहा है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी अनवसानी होगा। जब भी मैं लिखा था हिंदी में ना, अनवसानी पुनरावर्ती होगा। हिंदी वाले अशांत नहीं लिखेंगे, ये मैथ की भाषा में ऐसे लिखते हैं इसको, अनवसानी पुनरावर्ती ऐसे, ठीक है, अनवसानी पुनरावर्ती होगा। या फिर इसे इंग्लिश में लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या लिखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जो रिपीट हो रहा बार बार, बार बार रिपीट हो रहा है। ऋषभ राज समझ में आ रहा है? बताइए एक बार, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक कर दो बाबू, जल्दी से चलो फटाफट करो भाई। आपकी जिम्मेदारी होती है ना, रोज शाम को 7 से मैं फ्री पढ़ाता हूँ लाइव रोज, आप लोग की जिम्मेदारी है क्लास को लाइक किया करिए और दोस्तों में शेयर किया करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने चाहिए। चलिए अगला 5वां नंबर आप लोग होमवर्क कर लोगे कि नहीं? 5 नंबर आप लोग होमवर्क कर लेना और मुझे बताना 2/11 इसका बोलो क्या है, शांत की अशांत? 3/9/400 इसका भी बता दो, शांत होगा कि अशांत होगा? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसको आप लोग कर लेना, ये होमवर्क है। उसके बाद बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.3
क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ, सेकंड में आ जाओ, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, किताब लिए हो ना सभी? देखो किताब नहीं लोगे तो मजा नहीं आएगी। क्वेश्चन में दिखाऊंगा वैसे अब आने वाली क्लासों में आपको स्क्रीन पर, आज तो नहीं दिखा पाया लेकिन मैं अब दिखाऊंगा आपको। एनसीईआरटी किताब है जो एनसीईआरटी मेन वाली होती है, ठीक है? आप कक्षा 9 के एनसीईआरटी जानते हो तुम सभी लोग, सरकारी किताब होती है, दादा होती है, वो उसी के आधार पर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड है आपका, यूपी सीबीएसई राजस्थान एमपी दिल्ली बोर्ड कोई भी बोर्ड है। नई बैच के लिए पीवीआर स्टडी ऐप में जाके क्लास 10th का मैथ का कोर्स ज्वाइन करिए। एप्लीकेशन में हर तीसरे दिन नई बैच होती है, हर तीसरे दिन होती है, जाके ज्वाइन कर लीजिए जिनको नई बैच चाहिए, ठीक है? पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर जाके ज्वाइन करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप जानते हैं 1/7 इक्वल लिखो 0.14, ये इतना लिखा है, इसके ऊपर बार लगा है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? मतलब समझ रहे हो? कह रहा है इसी आधार पर, इसको बेस मानते हुए क्या आप इसी तरह के और भी क्वेश्चंस का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बता सकते हो कि नहीं, बोलो। कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इसी तरह से जैसे ये है उसी तरह से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ऐसे ऐसे इनका दशमलव प्रसार शांत है क्या? शांत है, बताइए, बता सकते हो कि नहीं? देखो मैं बताता हूं तरीका, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप चाहे तो नीचे लिखो हाँ हम बता सकते हैं, फिर मत लिखो, पहले डायरेक्ट आंसर लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो, बता रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ एक मिनट, सुनो, बता रहा हूं। देखो बिना लंबा भाग किए, लंबा भाग का मतलब इनका ये है कि आप इसे ऐसे नहीं करोगे, ये भाग नहीं करोगे। देखो एक सिंपल सा फंडा है, इसे तुम ऐसे लिख सकते हो 2 × 1/7, बोलो लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना भैया, लिख सकते हो ना बाबू? तो अगर तुम इसे लिख सकते हो तो तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, 2 × इसका ये मान रख दो, ठीक है? इसका क्या करना है, मल्टीपल करना है, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है? बस ऐसे कर लो, हो गया। क्या है दशमलव प्रसार, शांत है कि अशांत है, बोलो? शांत है कि अशांत है, क्या है? शांत नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के रूप में अगर इसका हर आएगा तभी शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। लेकिन हम बता सकते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सब में ऐसे कर लेंगे, इसका 3 से गुणा कर देंगे, ऐसे इसको भी कर लेंगे, ये 4 है तो 4 ही रहेगा भाई साहब, और ये 0. ये मान रखना है ना, ये वाला 1/4, 2/8, 5/7 कर लो सबका मल्टीपल और बता दो क्या होगा, शांत किया शांत, बोलो। सभी का शांत नहीं होगा, किसी का भी, सबका अशांत होगा। गुणा करके देख लो, तुम्हें गुणा करना आता है, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 2 = 17 करो, जीरो पॉइंट इतना आएगा। अच्छा ये समझ में आ रहा, कैसे आ रहा है ये कैसे आ गया मालूम है? देखो 3 का इसमें हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीपल तो तुम्हें आता है ना, जैसे 3 × 7 = 21 का 1 हासिल आया 2, 3 × 5 = 15 = 5 और हासिल 2 × 17 = 7 हासिल 1, 3 × 8 = 24 हासिल 1 × 5 = 5 हासिल 2, 3 × 2 = 8, 3 × 4 = 12 = 2 हासिल 1, 3 × 1 = 3, 4 समझ में आया ना विशाल पाल? समझ में आया, समझ में आया बच्चा? चंदन कुमार, ऋषभ, आदित्य, आशीष,
अंकेश आया समझ में, चलो फिर करो आओ, चलो हो गया, चलो ठीक है, मल्टीपल करके इनको भी ऐसे ही कर लेने, सबको कर लेना है जो कहा है ना, जहां तक सबका कर लेना ऐसे ही, पांच बटा सात, छह बटा सात, ऐसे सबका कर लेना, फिर मुझे बताना, चलो ठीक है, क्लियर बात पक्की, डन, चलो। तो इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बच्चा। थर्ड नंबर में आ जाओ, कक्षा नौ की एनसीईआरटी गणित क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ। सभी बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट करो कि आपको समझ में आ रहा है, बोलो यस, अगर नहीं आ रहा तो नो लिखिए, हम जान जाएंगे कि आपको नहीं आ रहा है। यस या नो आप लोग लिखते रहिए जल्दी जल्दी। चलो भाई, मिटाने वाला कहाँ गया, एक मिनट यार, कहाँ गया ये मिटाने वाला, जाने दो, हटाओ। थर्ड नंबर में आ जाओ, थर्ड नंबर में आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कह रहा निम्नलिखित को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, यानी इसे परिमेय संख्या कहने का मतलब। निम्नलिखित को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, 0.6 है, इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जवाब दीजिए। बच्चा शशि पटेल सुबह 8 बजे चल रहा, बताया तो यूट्यूब पे, कक्षा 10 की मैथ सुबह 8 बजे से यूट्यूब पर चल रही है, आप देखिए सुबह 8 बजे से चल रही है। आइए समझिए, इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले मुझे ये बताओ तुम लोग, हाँ क्या कर सकते हैं भाई, ट्राई कर सकते हैं ना एक बार, उसमें क्या करना है, आराम से चलो कर लेते हैं। हम इसको जानते हैं कि इसका ये मतलब है, वास्तव में ये हम सबको पता है ना, इसका ये मतलब है ना, तो पहले इसका हम सरलीकरण करेंगे, बिना हल किए तो हम नहीं लिख पाएंगे इसे, बिना हल किए नहीं लिख सकते, बेसिक आपको इसे करना होगा। अगर आप कहो तो मैं इसको ट्रिक में बता दूं आपको, लेकिन आप क्लास 9th में हो, परीक्षा में आपको ट्रिक नहीं लगानी, अगर आप ट्रिक लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो बेसिक करते हैं, लिखो यहाँ पे सभी लिखना, माना ये अक्ष बराबर, इसको मान लो ऐसे, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना बेटा, फर्स्ट समीकरण। अब लिखो समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करोगे तो ये 10 यक्स बराबर ये 6.666 समथिंग डॉट 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 आएगा, ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। नीचे समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो समीकरण सेकंड है बेटा 10x, ये 6.66 डॉट 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 बराबर लगाओ, ये x इक्वल 0.66 डॉट 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 है ना, इसमें से घटाओगे 9x आएगा, देखो 6 से 0 जाएगा 6 आएगा, इधर साइड में सब 6 6 है बराबर बराबर, तो इसलिए सब शून्य हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहां से x बराबर निकालोगे बच्चा तो 6/9 आएगा, आएगा ना, आएगा ना, तो काट दो 3 से, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यानी आपका फाइनल में आंसर आ गया, जो यक्स का मान पूछा था ये मेन, 2/3, बोलो आंसर यही है, समझ में आया सभी को। लिख लो फटाफट और बताओ सभी, यस समझ में आ गया, यस यस यस। देखिए आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते बाबू, मुझे लगता है क्योंकि बच्चे जो है ना 100-200 बच्चे ही जुड़ पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जुड़ते हैं, क्यों भाई, ये खतरनाक वाले बच्चे कहाँ चले जाते हैं, क्यों नहीं आते हैं,
फटाफट आप सभी साथी लाइक कर दीजिए। अब देखो आधा ज्यादा बच्चवा लाइक नहीं करा अभी तक, आपकी जिम्मेदारी है ना, हा? है ना जिम्मेदारी। और जो सिर्फ यहाँ सवाल पूछने आते हैं उनसे निवेदन है कि वो ना आए, हा? नीचे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, बार बार बोल रहा हूँ, उस पर संपर्क करो, डिस्टर्ब ना करो नहीं ब्लॉक कर दिए जाओगे। मोबाइल नंबर नीचे चल रहे हैं ना, दिन में उस पर फोन कर लो ना, यहाँ डंडा ना करो, बस एक बात समझ लो, नहीं तो इन्हें ब्लॉक करो फटाफट। चलिए इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में उधर लिख देता हूं, इधर हल करूंगा। 0.47 इसका बताओ कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, ट्राई करके देखो बताओ। इसका वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। बोलो कितना आएगा, जरा एक बार ट्राई कर लो। नीरज कुमार बता दो भाई, बता दो बता दो। चलो एक बार कोशिश कर लो आप लोग। कितना आएगा, आज 24 मार्च है। नीलम सिंह, यहाँ पे कोई शादी ब्याह तो हो नहीं रहा है, एक बता दो कौन कौन बिहार से है, कौन यूपी से है, हा? पढ़ाई करने आयो, पढ़ लो। चलिए इसमें भी ऐसे ही करेंगे बच्चों, जैसे उसमें बताया था मैंने वैसे इसमें भी करोगे आप, ठीक है। इसका सलूशन यहां से करेंगे। 0.47 है, 7 पे बार लगा है, यहां पे लिखेंगे लेट्स यक्स इक्वल 0.47777, बिकॉज सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, याद रखना सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, पूरा रिपीट नहीं हो रहा है। 47 दोनों पर बार है क्या, नहीं दोनों पर नहीं है बेटा, वो एक ही पर है, ध्यान से देखो उत्कर्ष, वो केवल 7 पर है जो लाइन है, 4 पे नहीं है, समझो। अब क्या करेंगे, ये तो मैंने मान लिया, अब एक अंक पर बार है ना और दो अंक है, बार तो एक ही अंक पे लगा है, आप दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। लिखिए समीकरण 1, नीचे लिखो समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर क्या करेंगे, 10 का मल्टीपल करने पर, मल्टीपल कर दो 10x इक्वल, इसमें 10 से गुणा होगा बेटा, एक चीज जानो, एक अंक दशमलव इधर खिसक जाता है, तो ये 4.777 डॉट 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 बचेगा। इक्वेशन सेकंड लिखो, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट करने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, 10x 4.777 डॉट 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 ये सेकंड, x इक्वल ये है 0.477 डॉट 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 ये फर्स्ट। क्या भैया ये घटे वटेगा क्या, घटा के देखो, देखो बेटा इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 9x आएगा, ये आपका 4 पॉइंट, इसमें से घटेगा तो 3, ये 0-0 आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, x इक्वल 4.3/9 आएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 43/9090। बोलो ये आंसर आ जाएगा ना, चंदन कुमार काहे डंडा कर रहा था भाई, काहे को ब्लॉक कर दिया इसको, क्या कह रहा था, गरिया रहा था काहे, अच्छा ये तो ना भद्दा भद्दा लिख रहा है, का बच्चा तुम्हारी मम्मी पापा का क्या रोल है इसमें बताओ, लिख लो जल्दी से, अगला पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, अगले पे आगे बढ़ते हैं, फटाफट करो। पूरे पर कर लोगे अगर 47 पर, देखो कोई अंतर नहीं है, आप यहां 100 से मल्टीपल करोगे तब और आसान हो जाएगा। उत्कर्ष, अगर 47 पूरे नंबर पर बार लगा है तो और आसान हो जाएगा, इसका आंसर 47/99 आएगा, तब तो और आसान हो जाएगा, जैसे अभी पहला वाला किए थे वैसे, ये थोड़ा कठिन था जिसमें एक पर रहता है, इसका थर्ड पार्ट कौन कौन कर लेगा, बोलो यस।
थर्ड पार्ट कर लोगे ना भैया, कर लोगे ना बाबुआ, कर लोगे ना सभी। चलो थर्ड पार्ट आप लोग करना। आपको एक बात बताएं कि कक्षा 9 की जो मैथ की क्लास है बेटा, ये आपके पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर अक्सर होती है। कहां पर होती है? पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर। तो आप उसे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हो सकता है अगले आने वाले जो 1 अप्रैल से है ना, आपकी क्लास उसी चैनल पर चलेगी। कहां पर? पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर। इसे याद रखना आप लोग, ठीक है? समझ रहे हो ना? एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूं पहले मैं, ये इसे याद रखना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना तुम, मिल जाएगा पीवीआर स्टडी 3.0। ये चैनल नंबर 3 स्पेशल रूप से बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए है, इसे सब्सक्राइब कर लेना। जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इसका मान बताना है। आर्यन, आर्यन भैया दोबारा कर लो एक बार ना आप। ये सब मीडियम है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। देखो बेटा बाबू समझो, यहां पर भी ऐसे ही करना है। लेट्स या एक्स इक्वल 0.001 001 001 001, यानी ये रिपीट हो रहा है। 001 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से आप क्या करेंगे, चूंकि तीन तीन डिजिट पर, ये तीन तीन डिजिट इसमें रिपीट है, इसलिए आप 1000 से मल्टीपल करोगे दोनों तरफ। किससे गुणा करोगे? 1000 से मल्टीपल करोगे। बोलो कर लोगे कि बता दूं इसको भी? कर लोगे ना? देखो तीन अंक पर बार लगा बेटा, इसलिए 1000 से दोनों तरफ गुणा करोगे। समीकरण एक में 1000 से क्या करने पर? गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल, इसमें जब 1000 से गुणा करोगे तो ये 01 और ये 001 001 ऐसे हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा जानते हो? क्योंकि भाई जो दशमलव है वो तीन अंक इधर खिसक जाएगा, हाँ दाई तरफ खिसक जाएगा, तो ये 0 का आगे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको हम लिख लेते हैं इज्जत सम्मान के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लिखो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। प्रियंका मीना कमेंट आ रहा है आपका, पढ़ाई कर लो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो देखो बेटा समझो, यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड है 1000x इक्वल 0.001001। एक्चुअली इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। अब ये x इक्वल यहां पर है 0.001001 डॉट डॉट डॉट, इनको घटाएंगे तो ये 999x, ये 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि इधर का दशमलव के बाद का सब जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू 1/999 आएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती, आंसर हो गया, ठीक है। इसके कितने पार्ट थे बेटा? इसके 3 ही पार्ट थे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। अच्छा 9 की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। ये क्लास रोज शाम को 7 बजे से 7:40 तक होती है। टेलीग्राम पे आपको सारी क्लास का लिंक दिया जाता है, तो आप इसे जरूर करेंगे। उसमें आप प्रीमियर क्लास भी देख सकते हो या फिर लाइव भी होता है, दोनों तरह का होता है। जो भी चले वैसे पढ़ो, जो भी चले।